नमस्कार दोस्तों, रेल एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन जानकारी में आज जिस ट्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है गीतांजलि एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के बीच हफ्ते में रोजाना चलती है। हावड़ा जंक्शन से मुंबई तक गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन की जो कुल दूरी है वो है 1963 किलोमीटर, और इस दूरी को तय करने के लिए इस ट्रेन को टाइम लगता है 31 घंटे और 30 मिनट का। जर्नी के दौरान गीतांजलि एक्सप्रेस 24 हॉल्ट पर रुकती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर। गीतांजलि एक्सप्रेस एक डेली सुपरफास्ट ट्रेन है, यानी कि ये रोजाना चलती है। हावड़ा जंक्शन से दोपहर के 1:50 पर रवाना होने के बाद मुंबई पहुंचती है अगले दिन रात के 9:20 पे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से प्यार भरा निवेदन है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कोच कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ट्रेन नंबर 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में 7 स्लीपर क्लास, थर्ड एसी इकोनॉमी के 3 कोचेस, सेकंड एसी का 2 कोचेस, थर्ड एसी का 5 कोचेस, 2 लगेज कम जनरेटर वैन और 2 2S यानी कि जनरल कंपार्टमेंट के कोचेस अवेलेबल है। साथ ही इस ट्रेन में पैंट्री कार के 1 कोचेस अवेलेबल है। आगे बात करते हैं ट्रेन नंबर 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस के किराए के बारे में। तो दोस्तों, गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर क्लास का जो किराया है हावड़ा जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक वो है ₹780। थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास की जो किराया है वो है ₹1920। थर्ड एसी का किराया है ₹2035 और सेकंड एसी का किराया है ₹2935। टू एस यानी कि जनरल क्लास का जो किराया है इस ट्रेन में वो है ₹460 हावड़ा जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक। दोस्तों, मैंने आपको अभी जो किराए बताए हैं वो सभी अपडेटेड किराए हैं। आप फिर भी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे बुकिंग काउंटर या रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जानते हैं इसके कौन कौन से स्टॉपेजेस हैं। दोस्तों, गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल से दोपहर के 1:50 पर रवाना होती है, और 31 घंटे 30 मिनट का सफर तय करने के बाद मुंबई पहुंचती है। हावड़ा जंक्शन से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज है खड़गपुर जंक्शन। दोपहर के 3:23 पर यहां पे पहुंचती है और 3:28 पर यहां से रवाना होती है। यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। टाटानगर जंक्शन झारखंड में इस ट्रेन का स्टॉपेज है 5:20 पे और 5:27 पर यहाँ से रवाना होती है। इस ट्रेन का यहाँ पे 7 मिनट का स्टॉपेज है। टाटानगर जंक्शन के बाद चक्रधरपुर स्टेशन पे ये ट्रेन पहुँचती है 6:18 पे और 6:20 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। 310 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गीतांजलि एक्सप्रेस पहुंचती है राउरकेला जंक्शन 7:42 पे और 7:50 पे यहां से रवाना होती है। यहां पे इस ट्रेन का 8 मिनट का स्टॉपेज है। झारसुगड़ा जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है 9:53 पे और 9:55 पे यहां से रवाना होती है। यहां पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। रायगढ़ स्टेशन छत्तीसगढ़ में गीतांजलि एक्सप्रेस पहुँचती है 10:57 पे और 10:59 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है और 585 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुकी होती है। बिलासपुर जंक्शन मध्य प्रदेश में इस ट्रेन का टाइमिंग है 1:05 पे और 1:15 पे यहाँ से रवाना होती है। रायपुर जंक्शन ये ट्रेन पहुँचती है 2:45 पे और 2:50 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। दुर्ग जंक्शन
ये ट्रेन पहुंचती है रात के 3:45 पे और 3:50 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। राजनंदगांव ये ट्रेन पहुंचती है सुबह के 4:11 पे और 4:13 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। गोंडिया जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 5:40 पे और 5:42 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। भंडारा रोड स्टेशन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 6:29 पे और 6:31 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है और 1068 किलोमीटर की दूरी यह तय कर चुकी होती है। इसके बाद गीतांजलि एक्सप्रेस अपने अगले स्टॉपेज नागपुर जंक्शन पहुंचती है सुबह 7:40 पे और 7:45 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। वर्धा जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 8:48 पे और 8:50 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। बटनेरा जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 10:32 पे और 10:35 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉपेजेस है। अकोला जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 11:30 पे और 11:35 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। सेगांव स्टेशन ये पहुंचती है 12:03 पे और 12:05 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। मलकापुर स्टेशन ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर के 12:43 पे और 12:45 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है और 1472 किलोमीटर की दूरी यह तय कर चुकी होती है। गीतांजलि एक्सप्रेस का अगला स्टॉपेज भूसावल जंक्शन दोपहर के 1:45 पे यह ट्रेन पहुँचती है और 1:50 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। जलगांव जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर के 2:18 पे और 2:20 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। नासिक रोड ये ट्रेन पहुंचती है शाम के 5:05 पे और 5:10 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। इगतपुरी ये ट्रेन पहुंचती है शाम के 6:10 पे और 6:15 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। कल्याण जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात के 8:02 पे और 8:05 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉपेजेस है। दादर सेंट्रल स्टेशन ये ट्रेन पहुंचती है रात के 8:47 पे और रात के 8:50 पे यहाँ से रवाना होती है और ये इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस अपने आखिरी स्टॉपेज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई पहुंचती है रात के 9:20 पे और 1963 किलोमीटर की दूरी जो है वो समाप्त होती है। तो दोस्तों इसी के साथ गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन का जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में किसी अन्य ट्रेन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।